जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के, जैसा कि अभी कोर्ट में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर लॉयर, उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि ये जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के बीजेपी सरकार में आने चाह रही है, ये उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारा संविधान सारी पार्टियों से सबसे ऊपर है। देखिए, ये आप रिपोर्टर्स का भी यहाँ पे दायित्व बनता है कि जो संविधान के उल्लंघन करके और विधायकों को पैसे का लालच दे के, उनको रिजॉर्ट में रुकवा के, उनको वहाँ शराब पिला के, उनको वहाँ चार्टर्ड प्लेन से ले जाके, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब वही बात हुई कि लालच दे के उनको बुलाइए, फिर अपनी सरकार बनाइए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अहम फैसला सुनाएगी, और जितने भी विधायक हैं जो कि पैसे और पद की लालच में एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान मेरे हिसाब से होना चाहिए। मैं आज पूरी प्रोसीडिंग के दौरान मौजूद रहा। सीनियर लॉयर विवेक तनखा साहब ने, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने और कपिल सिब्बल सर ने अपने पूरे आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करे हैं आज। कल फिर से एक बार इसमें हियरिंग होनी है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन विधायकों को इलीगल कैप्टिविटी में कर्नाटका में एक फार्म हाउस में रामाडा होटल में रखा गया है, और जिस चार्टर्ड प्लेन से उन्हें ले जाया गया है, उस चीज़ की भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी है। और कल इस केस में फिर से एक बार हियरिंग होने की शुरुआत 10:30 शुरू होगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन विधायकों ने जो भी रेजिग्नेशन लेटर साइन किया है, उनमें लीगल फ्लॉ है। वो संविधान के अकॉर्डिंग रेजिग्नेशन लेटर उन्होंने नहीं दिया है, ये भी हमने चैलेंज किया है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन विधायकों के रेजिग्नेशन खुद उन्होंने भी अपने हाथ से नहीं लिखे, किसी और ने लिखे, क्योंकि छह रेजिग्नेशन लेटर में एक ही हैंड राइटिंग है, सिर्फ विधायकों ने साइन किए, वो भी असर्टेन नहीं हो पा रहा कि विधायक ने खुद साइन किए हैं या किसी और ने साइन किए हैं। तो ये एक सीरियस डाउट कास्ट करता है कि ये लोग इलीगल कैप्टिविटी में हैं, तो इनको जब तक रिलीज नहीं किया जाता। एक इंटरिम एप्लीकेशन भी फाइल हुई है, जो एक सिटिंग विधायक के भाई ने फाइल करी है, कि उसको भी नहीं मिलने दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक विधायक को उसके भाई से भी मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है? और बाकी कल जो हियरिंग होगी, उसमें मुझे लगता है कि कल शाम तक फैसला हमारे पास आ जाएगा। फ्लोर टेस्ट के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया। कल अंतिम है, आप लग रहा है कि कल जो है फैसला जरूर हो जाएगा या कल भी जी? मुझे लगता है कि कल हियरिंग कंक्लूड होगी, लेकिन जिस तरह से हियरिंग चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, मुझे लगता है एक दो दिन अभी और लग सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपके ओपिनियन में हियरिंग जो है वो किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो बीजेपी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, उनको अब कोर्ट में खड़े रहना मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है। एज ए लॉयर मैं ये बात कह सकता हूं, अब आगे कोर्ट को डिसाइड करना है, ऑनरेबल जजेस को डिसाइड करना है कि फैसला किस तरफ जाता है। दिग्विजय सिंह भी आज जो है बेंगलुरु गए, उनको हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह जी वहां गए, उन्होंने बोला मैं खाली हाथ आया हूं, अब तो ये लोग डर नहीं रहे हैं वहां पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में नहीं है, मैं इनसे यहां मिलने आया हूं। उनको भी मिलने नहीं दिया गया, विधायकों के परिवार वालों को नहीं मिलने दिया गया, उनके साथ मारपीट करी गई। अब ये आप पत्रकार भाई बहनों को देखना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है या नहीं है, क्योंकि किसी विधायक से अगर उसके फादर या उसके ब्रदर नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक हरकत है। तो क्या आपकी डिमांड है कि भोपाल जो है आने के लिए कहा जाए? भोपाल आ जाएं, कहीं और आ जाएं, लेकिन बस ये है कि अपने परिवार के साथ रहें 2-3 दिन, फिर आएं, फिर उनको इस्तीफा देना है या ज्वाइन करना है, ये उनको डिसाइड करना है। ये ना बीजेपी फोर्स कर सकती है, ना कांग्रेस फोर्स कर सकती है। थैंक यू सो मच। एहतिशाम हाशमी, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस्तीफा की बात, उस पर क्वेश्चन उठ नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये एसर्टेन नहीं हो पाएगा कि इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है या किसी और की मर्जी से दिया है, तब तक इस्तीफा एक्सेप्ट करने का सवाल पैदा नहीं होता। बीजेपी के ये आर्गूमेंट थे कि वो विधायक अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो MLA हैं, उन्होंने अभी तक बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है। जब तक बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, तब तक बीजेपी के लॉयर उनके लिए कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो मेंबर अभी कांग्रेस का मेंबर जिसने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, उनके लिए बीजेपी के लॉयर यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं। उनका इस्तीफा किसी और के हैंड राइटिंग में, साइन भी उनके हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे कोई और बंदा लेके आ रहा है जिसको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का नेता है वो। तो ये जो प्रोसेस है, ये विधायक को इस्तीफा देने का प्रोसेस नहीं है। विधायक के इस्तीफा देने का प्रोसेस अलग है, वो अपने पर्सनल नंबर से भी भेज सकते थे, अपनी ईमेल से भेज सकते थे, अपने किसी फैमिली मेंबर के पास भेज सकते हैं। जितने विधायक कह रहे हैं कि उनको MP में डर लग रहा है, उनके सबके रिश्तेदार, घर वाले, उनके वाइफ, बच्चे, उनके पेरेंट्स, तो सब मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। जब उन्हें जान का खतरा नहीं है, तो विधायक जी को कैसे जान का खतरा हो सकता है? सर, जिस तरीके से लगातार फोटोज भी सामने आए जिसमें विक्ट्री का साइन दिखा, कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, विक्ट्री का साइन तो कोई भी इंसान है जिसको ज्यादा समझ नहीं है, उसको अगर कोई पढ़ाएगा, समझाएगा, डराएगा, धमकाएगा, वो विक्ट्री का साइन दिखा देगा। लेकिन विक्ट्री का साइन दिखाने से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो सकता। संवैधानिक प्रक्रिया का पालन संविधान के तरीके से होता है, ना कि किसी साइन दिखाने से। तो कहीं ना कहीं जो विधायक बेंगलुरु में है, उन पर आकर के MP की सारी सियासत रुक गई है? देखिए, सियासत तो रुकी नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार चल रही है, अभी भी काम कर रही है, कई नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो उन्होंने योजनाओं की घोषणा की थी वो पूरी हो रही हैं। जहाँ तक सवाल रहा इन विधायकों का, तो वो एक बार जब तक सामने आके नहीं बोलते हैं संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे
बारे में है कि नहीं बोलते हैं, तब तक उस बात पे कोई भी बात करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। पर उधर अगर बीजेपी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये अल्पमत में है और ये लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के लीडर्स किसी को कुछ भी कह सकते हैं, उसके बारे में मुझे बोलना ठीक नहीं समझता। सर मेरा यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आपसे ये भी है कि राज्यसभा की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से अभी फिलहाल में जो सब चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर स्पीकर की बात करें तो अहम किसकी भूमिका मानी जा रही है? देखिए स्पीकर की भूमिका भी अहम होती है, गवर्नर की भूमिका अहम होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि संविधान उन दोनों के ऊपर रहता है, दोनों को संविधान के दायरे में रह के काम करना है। अगर गवर्नर साहब भी संविधान के बाहर जाके काम करेंगे तो वो ऑर्डर भी चैलेंज हो सकता है, स्पीकर साहब भी करेंगे तो वो ऑर्डर भी चैलेंज हो सकता है। अभी आप सबको देखना है कि गवर्नर साहब ने जैसा कि बोला कि उन्होंने न्यूज़ रिपोर्ट से मान लिया कि उन लोगों ने इस्तीफा सौंपा है अपना, ये मुझे लगता है एज ए लॉयर एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये इलीगल चीज़ है। तो मजबूत पक्ष आपको किसका लग रहा है, कमल का या कमलनाथ का? देखिए कमलनाथ जी की सरकार चल रही है और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी की पूरा टर्म अपना कंक्लूड करेंगे, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया हुआ है, उन्होंने किसी को किडनैप करके रिजॉर्ट में नहीं रखा। फ्लोर टेस्ट पर भी कुछ बात हुई? फ्लोर टेस्ट मैडम होता है जब सरकार नहीं बनती है, जब सरकार चल चुकी है 2-2.5 साल तब फ्लोर टेस्ट की बात नहीं होती। जो भी बीजेपी के लीडर्स फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं उनसे एक बार कहिए कि थोड़ा सा फ्लोर टेस्ट का क्या संविधान है, क्या प्रोविजन एक बार पढ़ लें। तो क्या दिग्विजय सिंह जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि उनसे मिलने दिया जाए और जो ये चल रहा है कि बीजेपी लगातार कह रही है अल्पमत में, तो कांग्रेस को कोई डर नहीं है? अब कांग्रेस को डरने की जरूरत क्या है, हम सत्ता के लालची नहीं है, हम देश सेवा के लिए आए हैं, यहाँ पे सत्ता में रहें या ना रहें देश सेवा करते रहेंगे, जिनको सत्ता की लालच है वो विधायकों को बंद करके रखे हुए कमरे में। सर मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी जिस तरीके से लगातार जो सुनवाई है टलती जा रही है, कल भी कुछ फैसला आने वाला है या नहीं? कल मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन अब ये कल पे निर्भर करेगा कि जो काउंसिल्स हैं कांग्रेस के या बीजेपी के वो क्या रिव्यू करते हैं और जज साहब उस पर क्या फैसला लेते हैं। आपका क्या अनुमान है किसकी तरफ ये बातें जा रही हैं, किसके पक्ष में जा रही हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि बातें संविधान की तरफ जाएंगी, जो संविधानिक प्रक्रिया है कि आप चुनी हुई सरकार को ऐसे नहीं गिरा सकते हैं, विधायकों को आप पैसे के बल पे खरीद कर्नाटका नहीं रख सकते हैं, ये मुझे लगता है संविधानिक प्रक्रिया को लंघन। तो सीधे सीधे कहना है कि वो नहीं गिरा रहे हैं, वो तो दूर है, खुद आ रहे हैं उनके विधायक उधर। चार्टर्ड प्लेन कौन लेके आया था, विधायक किस विधायक के पास चार्टर्ड प्लेन है, जो अपने चार्टर्ड प्लेन से गया था वो चार्टर्ड प्लेन किसने अरेंज किया था, और जो रामाडा में वो लोग रुके हैं वहाँ का रेंट 80 लाख रुपए अभी तक हो चुका होगा वो किसने पे किया है? अगर बीजेपी विधायक बता दे कि उन्होंने 1 रुपया भी अपने पॉकेट से दिया है तो जो आप बात बोल रहे हैं, जो बीजेपी के विधायक बात बोल रहे हैं मैं मान लूंगा। जो आपने सिग्नेचर पर जोर डाला था उस पर क्या कहा है? जो एफिडेविट प्रॉपर फाइल नहीं हुए तो उनको फिर से बीजेपी के लॉयर्स ने बोला कि प्रॉपर एफिडेविट लेके आएंगे उसको फाइल करेंगे। सेम की बात आप यहाँ पर कर रहे थे कि हैंडराइटिंग भी सेम थी और क्या पता सिग्नेचर भी हाँ, जिसने भी रेजिग्नेशन लिखा है 6 रेजिग्नेशन लेटर एग्जैक्टली सेम पैराग्राफ है सेम हैंडराइटिंग है, साइन का भी मुझे पता ही नहीं कि वो एमएलए ने साइन किए भी हैं कि नहीं, तो ये चीज़ डाउटफुल है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बीजेपी अपने खेल में खुद फंस गई है? मुझे तो लगता है कि इन्होंने अपने हाथ से अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली है और जिससे उभरने में अब बहुत टाइम लगेगा। सिंधिया को लेकर के आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप बीजेपी में आ गए? देखिए सिंधिया जी जैसे कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं उन पर कॉमेंट करना ठीक नहीं है। तो इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है सिंधिया के जाने से? किसको फर्क पड़ा मैडम, बीजेपी ज्यादा परेशान है। अच्छा बीजेपी परेशान है, हमारे यहाँ से तो किसी ने भी विधायक के घर नहीं गया, ना कोई सिंधिया जी के घर गया। अच्छा। ये सबसे ज्यादा परेशान तो सिंधिया जी हैं बेचारे वहाँ जाके, क्योंकि जहाँ वो महाराज कहलाते थे वहाँ चौकीदार कहला रहे हैं, तो ये उनको देखना है कि वो परेशान है या नहीं। अच्छा और पद से नीचे आ गए हैं वो, उनके पास कोई पद ही नहीं है, उनको तो लोग बोल चुके हैं आप चौकीदार बोल रहे हैं उनको, चौकीदार तो जितने बीजेपी में प्रधानमंत्री जी भी चौकीदार बोलते हैं, तो आपको चौकीदार से ऊपर की पोस्ट तो नहीं ले सकते हैं, तो उनको भी चौकीदार की पोस्ट ही मिलेगी। मुझे रंजन गोगोई को राज्यसभा का भेजा जाता है, उस पर विवाद जी। देखिए ये काला धब्बा है हमारी जुडिशरी पे कि रिटायर्ड जजेस बिना कूलिंग ऑफ पीरियड कंक्लूड किए विद इन 3 और 4 मंथ्स कोई संवैधानिक पद लेते हैं, और मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं उनका मर्तबा कहीं बड़ा रहता है, वो जुडिशरी के नेशनल हेड हैं, और अब उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में जो अपना पोस्ट स्वीकार करी है, मुझे लगता है ये उन्होंने बहुत ही एक शर्मनाक और गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्य किया है। तो क्या अब लोग विश्वास कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरीके? देखिए जब मैंने 2006 में सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया था तब ये मेरे लिए गर्व और फख्र का मौका होता था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन जस्टिस गोगोई ने जिस तरह से ये राज्यसभा की सीट ली है तो मुझे अब अपने लॉयर होने में शर्म महसूस होती है। जस्टिस का बयान भी आता है, वो कहते हैं ढल गया उनके साथ ही जो थे काटजू साहब का, पूर्व जस्टिस काटजू साहब का बयान, काटजू साहब जैसे जी हां जज था वकील था, लेकिन
ये जो इन्होंने काम किया है, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी जिक्र किया। देखिए, कई रिटायर्ड जजेस ने ये जो इन्होंने राज्यसभा की सीट ली है गोगोई साहब ने, इस पर सवालिया निशान खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि जो हम सबको एक जुडिशरी के पिलर से उम्मीद थी, लेकिन इस हरकत से जुडिशरी की शाख कहीं ना कहीं कम हुई है। और मुझे ये लगता है कि इनको रिफ्यूज़ करना चाहिए था, इनको राज्यसभा नहीं जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस की भी उतनी अहमियत होती है जितनी बाकी जजेस की होती है। इनको अपनी गरिमा खुद बचानी थी, लेकिन आज इन्होंने अपनी गरिमा पे ही नहीं पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पे सवालिया निशान खड़ा करा। एक सवाल है, यूपी में एक वकील मुस्लिम वकील को दंगई बोलने पर, आतंकी बोलने पर उस पर राजद्रोह का केस लगा देती है योगी सरकार, क्या? देखिए, हमारा संविधान राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और जो सरकार इसका उल्लंघन कर रही है वो लोगों को अरेस्ट कर रही है। मुझे लगता है कि संविधान में उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और कोर्ट इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगा। किसका पक्ष आपको मजबूत लग रहा है? देखिए, संविधान का पक्ष मजबूत है और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के साथ खड़ी हुई है। तो अगर संविधान के दायरे में फैसला आएगा तो फैसला कांग्रेस के हक में आएगा। थैंक यू सो मच। सवाल मेरा कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल का जो कानून 85 में आया था, वो इसलिए आया था कि आया राम गया राम उस समय एक मुहावरा बहुत फेमस हुआ था। राजीव गांधी इसलिए लाया था कि दल बदल लाया जाए ताकि कोई विधायक खरीद। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया तरीका निकाल लिया है, वो ये सीधा जो है सस्पेंड ही कर दो, सीधा मतलब वो जो इस्तीफा ही दे देते हैं। देखिए, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के, जैसा कि अभी कोर्ट में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी सीनियर लॉयर, उन्होंने भी आर्ग्यू किया कि ये जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के बीजेपी सरकार में आने चाह रही है, ये उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारा संविधान सारी पार्टियों से सबसे ऊपर है। हम सब संविधान के झंडे के नीचे खड़े हुए हैं और मुझे लगता है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी फैसला आएगा वो कांग्रेस के हक में आएगा। ये शुरुआत 2008 से हुई थी। जी हाँ, जो कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया था, ठीक 2008 में ही ये मामला देखने को आया था। उसके बाद से ये फिर बीजेपी फिर कर्नाटक में इस बार भी आ गई। कांग्रेस जेडीएस का सरकार थी वो खत्म हो गई, उनके विधायकों को 17 विधायकों को तोड़ कर करके फिर से वो इस्तीफा दिलवाया और फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर। देखिए, ये आप रिपोर्टर्स का भी यहाँ पे दायित्व बनता है कि जो संविधान के उल्लंघन करके और विधायकों को पैसे का लालच दे के, उनको रिजॉर्ट में रुकवा के, उनको वहाँ शराब पिला के, उनको वहाँ चार्टर्ड प्लेन से ले जाके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब वही बात हुई कि लालच दे के उनको बुलाइए फिर अपनी सरकार बनाइए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अहम फैसला सुनाएगी और जितने भी विधायक हैं जो कि पैसे और पद की लालच में एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उनके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान मेरे हिसाब से होना चाहिए। सर, एक सवाल, योगी सरकार ने कोरोना को लेकर सीए का जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूपी में बंद कर दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस के लिए बाकी जगह तो दवाइयाँ इन्वेंट हो रही हैं और जो योगी सरकार है वो प्रोटेस्ट खत्म करा रहे हैं, तो उनको बोलिए कि इलाहाबाद में जो ट्रेनें जाती हैं, करोड़ों अरबों लोग उसमें ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो ट्रेन में भी भीड़ कम कराइए, ट्रेन और ज़्यादा चलाइए। जेलों में इतनी भीड़ है, वहाँ लोगों को कम करिए, आप तो और लोगों को उठा उठा के जेल में भेज रहे हैं, तो जेल में, अनाथ आश्रम में, रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ है वो भी कम कराइए। इलाहाबाद लखनऊ में इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर दो लोग नहीं रह सकते, वहाँ पर 50 लोग रह रहे हैं, उनके बारे में योगी जी का क्या कहना है?